हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमन मेडिसिन नॉलेज में। अगर गाइस अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ गाइस जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको बजाना ना भूलें हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो गाइस आज आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटामेथासोल एंड क्लियो क्लोनिक क्रीम बीपी। तो देख सकते हैं गाइस, तो आप लोग सब आप इस जो क्रीम है इस क्रीम को आप बेटनो वाइट सी के नाम से भी जानते हैं और ये बेटनो वाइट एन के नाम से भी मिलती है आपको। अगर आप मेडिकल से नॉर्मली किसी भी मेडिकल से लेने जाते हैं तो गाइस तो बेटनो वाइट सी एंड एन के नाम से भी आपको ये मिल जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर पर नॉर्मली। तो गाइस आज हम इस वीडियो में आपको इस क्रीम के नुकसान और फ़ायदे दोनों बताने वाले हैं। और गाइस इस क्रीम को बिना किसी की डॉक्टर के एडवाइस के बिना यूज़ ना करें। जैसा आप नॉर्मली इसको यूज़ कर लेते हैं कि फेस के लिए कि फेस पे से दाग चले जाएंगे वो चले जाएंगे, तो गाइस बिल्कुल भी इस क्रीम को ऐसे यूज़ ना करें। इसी चीज़ के बारे में गाइस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और गाइस देख सकते हैं आपको ये 48 रुपये का मिल जाता है अगर किसी भी मेडिकल स्टोर से अगर आप इसको लेने जाते हैं तो। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं आपको ये जो बैठा मैं था सोल एंड क्लियो क्लिनिक जो कि उसमें जो साल्ट मिलते हैं गाइस इन चीज़ों के बारे में आज हमको हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो गाइस जो ये बैठा मैं था सोल जो इसमें साल्ट है ये साल्ट गाइस आपके जैसे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर आपकी बॉडी में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में इचिंग होने लगती है खुजलियाँ होने लगती हैं तो ये उस चीज़ में काम आता है। तो गाइस मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ पिक्चर्स दिखा देता हूँ उसकी कि आपके कैसे किस टाइप का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये गाइस आपका ये जो है ये आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये बाकी इन्फेक्शनों से बहुत अलग टाइप का इन्फेक्शन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपके नॉर्मली दांत खुजली हो जाती है ये उससे बहुत अलग टाइप का इन्फेक्शन होता है। तो गाइस जो इसमें बेटामेथासोल जो इसमें जो साल्ट जो इस ट्यूब में डाला पड़ा है तो गाइस ये उसी चीज़ के यूज़ में आता है। ये साल्ट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत यूज़ में आता है ये बेटामेथासोल जो साल्ट है। हाँ गाइस हम आपको इसके दूसरा जो साल्ट है उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं गाइस। ओके गाइस जो इसका जो दूसरा साल्ट है इसके बारे में भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जिसमें ये क्लियो क्लोनिक जो साल्ट है ये आपके जैसे कि आपकी बॉडी पे पिंपल्स हो जाते हैं या दांत खाज खुजली होने लगती है कहीं पर तो ये गाइस ये जो इस दूसरा साल्ट है ये उस चीज़ में काम आता है। और गाइस एक बात और बता दूँ मैं इस चीज़ का मतलब कि आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस ट्यूब का आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना है। अगर गाइस आप इसको कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम तक अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो बॉडी में जो स्किन है गाइस तो उसका या तो आपका कलर चेंज होने लगेगा या आपकी बॉडी के जो मतलब स्किन है वो पतली हो जाएगी और आपकी बॉडी पर जो बाल होते हैं सुनहरे छोटे छोटे जो बाल होते हैं आपके आपने देखा हो तो वो उन बालों को भी ये ग्रोथ करने में हेल्प करती है। और अगर आप इसका लॉन्ग टाइम यूज़ करेंगे तो गाइस आपकी स्किन को इसकी हैबिट हो जाएगी इसकी आदत बन जाएगी फिर गाइस आप को ये परमानेंट अपनी स्किन पे लगानी पड़ेगी। तो गाइस इस बात का ध्यान रखें अगर आप इस ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 6 दिन तक ही आप इस ट्यूब को यूज़ करें। अगर आपके कुछ हो गया है मतलब कि आप इस ट्यूब को यूज़ भी कर रहे हैं तो आप बस इसको 5 से 6 दिन तक ही यूज़ करें। और इस बात का ध्यान रखें अपने चेहरे पर तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें इस ट्यूब को बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना। ओके गाइस तो आज की वीडियो यहीं तक गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें हमारे न्यू अपडेट्स पाने के लिए।